हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आज के मेरे न्यू व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत में मॉर्निंग से हो रही है 5 बजे से, और अभी मैं गर्म गर्म पानी पी रही हूँ। और आज हमें गांव भी जाना है, तो फटाफट नहा धो लेते हैं, फिर पूजा पाठ करेंगे। और इधर मैंने गैस में वो रख दिए हैं छोले, नाश्ते की तैयारी भी कर लेंगे। और तब तक जब तक उभलते हैं तब तक मैं पूजा करके आ जाती हूँ। बाहर अभी अंधेरा हो रखा है, मैं किचन की लाइट भी ऑन कर रखी है, और बाहर भी अंधेरा है। बाहर मुझे फ्लैश ऑन ही करना पड़ेगा, तो मैंने अपनी किताब उठा ली है पूजा की, और सबसे पहले पूजा वाले रूम में चलती हूँ। तो यहाँ पे बनाया हुआ है पूजा वाला रूम, और यहाँ पे पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर बाहर चलते हैं। तब तक बाहर उजाला भी हो जाएगा काफ़ी, अभी तो हल्का ही उजाला है, और घर वाले भी उठ जाएंगे तब तक। तो गाइस, पूजा पाठ हो चुकी है और मौसम भी काफ़ी साफ हो चुका है। यहाँ से सूर्यदेव उदय हो रहे हैं, जय सत्यनारायण की जय हो। आज का मौसम बहुत, तो यहाँ पे सूर्यदेव को पता था कि आज मैं गांव जा रही था, आज मौसम साफ है बिल्कुल। तो अब नाश्ता बनाती हूँ, बाकी लोग तो अभी सो ही रखे हैं। आज का इतने बहुत सुंदर मौसम हो रखा आज का, और चलते हैं अंदर। और अब चलती हूँ मैं किचन में। मैंने छोले रखे हुए थे उबालने, तो ये उबल चुके होंगे, फिर रात से दीदी ने भिगा रखे थे, और दीदी जी जो अभी सो रखे हैं उनका कमरा लॉक है। और गैस ये आवाज़ मैंने बाद में डाली है, क्योंकि सुबह सुबह शोर शराबा होता है, इसलिए वैसे की भी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है। और वैसे के पापा को गर्म पानी देती हूँ पीने के लिए, और इधर छोलों में छोटा भी मार देती हूँ, फिर नाश्ता वास्ता करेंगे। जब तक सारे लोग उठते हैं तब तक मैं वैष्णवी को भी उठा लेती हूँ, उसको फटाफट रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे वैष्णवी रेडी हो चुकी है। वैष्णवी हाय करो, हाय। वैसे रेडी हो चुकी है, और कानू यहाँ पे स्कूल जाएगा, तो कानू भी रेडी हो रहा है। हेलो वैष्णवी, कानू हाय बोलो। हाय, कैसे हो? मैं स्कूल जा रहा हूँ। बोलो, मैं अच्छा बच्चा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। हाँ, कहा तो बहुत अच्छा बच्चा है। तो हम हो चुके हैं रेडी, और श्री देवी भी हमारी उठ चुकी है। पाकड़ मछी को, मछी को पाकड़ 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 उठ चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ, उठ चुकी है भी। चलो हम जाना चाहते। तो गाइस मौसम बहुत साफ रखा आज। हेलो गाइस, बोलो बोलो। हेलो गाइस, मौसम भी है। पेशु भी रेडी हो चुकी है, और अब चलते हैं हम घर के लिए। वाओ, मौसम बहुत प्यारा हो रखा है देहरादून का, देख सकते हो। आहा, तो हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। हमने देव ऋषिकेश क्रॉस करके देवप्रयाग पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पे भोलेनाथ की प्यारी सी मूर्ति मिली, तो हमने सोचा हम यहाँ पे थोड़ा रुक के भोलेनाथ के दर्शन ही क्यों ना कर लें। तो देखिए कितनी प्यारी मूर्ति है। तेरे नाम की जोत ने
दोस्तों पहुंच चुके हम देवप्रयाग में और यहाँ पे हमने स्कूटी खड़ी कर रखी है 2 मिनट के लिए। यहाँ से नज़ारा दिख रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम पहुँच तो गए हैं बट यहाँ पूरी टूट चुका है क्या गाइस, यहाँ पूरी गाड़ियाँ बंद हो रखी हैं, पूरी गाड़ियाँ जाने का रास्ता नहीं है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं मोना के घर पे और अब हम खाना खाएंगे। सुबह से भूख लगी है वैश्य को भी मुझे भी। वैश्य को इधर यहाँ पे उल्टे काम, उसने मोना की सारी पेंसिल निकाल ली है। तो यहाँ पे हम पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाएंगे स्कूटी में। स्कूटी का हमारा पंचर भी हो गया, होने वाला था, जिसकी हवा पूरी लीक हो। तो पहुँच चुके हम घर में, मतलब घर पहुँचने ही वाले हैं। तो रास्ते लगी है वैष्णो वीरानी, है ना वैश्य, बोलो हाय दोस्तों, बोलो भाग्य को भाग्य भाग्य पापा सब भाग्य ना है अब भी छम्मी। अच्छा, हाथी पकड़ो, मम्मी का हाथी पकड़ो।